आज हम ऐसे ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसे अपनाते ही आपके बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और इसे अपनाते हुए भी आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। फ्री के आइडिया से इन्हें आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और आपकी समस्याओं के हल कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन की समस्याओं के हल करते हैं और बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। पहला फुल टेप मेरा यहाँ पर मोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है, हमारा मोबाइल काफी ज्यादा गंदा होता है। यहाँ पर मेरे बच्चे को ये मोबाइल दिया था खेलने के लिए और आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन है बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। बहुत बार हमारे हाथों से भी हो जाता है, हाथ में कुछ अगर लिक्विड है, कुछ चिपचिपा है, तो वो मोबाइल में पकड़ने की वजह से इस तरीके से पूरा स्क्रीन इसका खराब हो जाता है या इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। बहुत टाइम अगर इसे हम यूज करेंगे तो नॉर्मल बात है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल आंखों से हमें नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आप उसका यूज कीजिए, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है एक टिश्यू पेपर, तो जिस तरीके से मैं इसके ऊपर आपको डाल के दिखा रही हूँ बिल्कुल इतना ही डालना है हमने व्हाइट विनेगर, जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है। ये हर तरह की सरफेस के बैक्टीरिया को मिटाने के लिए काम करता है। तो फ्यू ऑफ ड्रॉप्स यानी कुछ बूंद ही आपने इसके ऊपर डालनी है और इसी तरीके से इसके ऊपर छोड़ दीजिए। जितना भी बूंद है, विनेगर है, यानी कि 4-5 बूंद, वो पूरा का पूरा टिश्यू पेपर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू पेपर का यूज करेंगे तो अच्छी बात है, इससे बैक्टीरिया अच्छे से खत्म हो जाते हैं। अच्छे से इसके ऊपर आपने वाइप कर देना है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ बूंद ही इसके ऊपर यूज किए हैं विनेगर के, तो ये इतना ज्यादा गीला नहीं होता है कि आपकी स्क्रीन या मोबाइल को किसी तरह का कोई नुकसान हो। तो अच्छे से ना आप इसको वाइप कर सकते हैं। अगला स्कूल हैक मेरा पजामे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस तरह के जो लास्टिक वाले पजामे होते हैं स्पेशल बच्चों के, बच्चे इन्हें पहनना पसंद नहीं करते हैं। रीजन होते हैं, इसका लास्टिक काफी ज्यादा कड़क होता है और जैसे ही पहनते हैं इचिंग और इसमें रेडनेस आ जाती है। तो क्या करें इसके लिए, क्या हम इसको बदल दें या इसको थोड़ा सा ढीला करें? तो देखिये, ना बदलना है ना ढीला करना है। एक पिन ले लीजिए आप, सेफ्टी पिन या सुई, दोनों में से जो भी अवेलेबल है आपके पास, और 3-4 ना इसके धागे तोड़ देना है। बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 धागे थोड़ी सी दूरी दूरी पर आपने इस तरीके से तोड़ देना है। इससे इसकी रबड़ को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा, पर हाँ, ये रबड़ हल्की सी ढीली हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आराम से बच्चे भी इसे पहन सकते हैं और अगर हम महिलाएं हैं जो ट्रैक सूट वगैरह होते हैं उसमें भी इस तरह का लास्टिक होता है, तो काफी टाइम हमें भी इचिंग होती है। तो आपने इस तरीके से इसके लास्टिक को ढीला कर सकते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, इसे आप जरूर अप्लाई करके देखिएगा। बच्चों को स्पेशल इस तरह की प्रॉब्लम होती है और बच्चे इस तरह के पैंट वगैरह को बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करता है, स्पेशली जो पजामे होते हैं। अगला स्कूल हैक मेरा सुई धागे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर सुई में धागा डालना आसान काम नहीं है। देखने में तो हमें बहुत आसान काम लगता है, पर जिनकी आई साइड थोड़ा वीक होती है उनको डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये सुई थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें आराम से धागा चला जाता है, पर कुछ सुई बहुत छोटे साइज की होती है जिसमें धागा जाने का नाम नहीं लेता है, और जिनकी आंखें कमजोर हो उनके लिए तो बड़ी सुई में भी धागा डालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ सुई की साइज आपको दिखा रही हूँ। तो एक बड़ी साइज की सुई है जिसमें आराम से धागा चला गया है, ये वाली जो छोटी सुई है ये तुरपाई वाली सुई होती है, तो इसमें धागा डालना बहुत मुश्किल काम होता है। नॉर्मल आंख वालों के लिए भी ये बहुत दिक्कत भरा काम हो जाता है। तो देखिए, इतनी छोटी सी सुई में मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, अगर बड़ी सुई में डाल के दिखाऊंगी तो आपको होगी कि हर कोई डाल सकता है, इसलिए मैं सबसे छोटी वाली सुई ही आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो एक पेपर लेना है, इस तरीके से इसके बीच में धागा आपने अटका देना है। तो देखिए, ये धागा ना एकदम सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं पेपर की मदद से। तो इस तरीके से ना धागा इसके अंदर अच्छे से हमने बिठा लेना है। अब धागे का जो मुंह है वो आपने बहुत छोटा रखना है, मात्र इतना रखना है कि वो सुई के अंदर चला जाए अच्छे से। लंबाई से इससे 2-3 बार आप हाथों से इस तरीके से करेंगे तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा और ये जो धागा है ना आराम से सुई के अंदर चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद मैं आपको क्लियर से दिखा पा रही हूँ, आप इसे अच्छे से देख भी पा रहे हो। आराम से ये धागा इसके अंदर आप इंसर्ट कीजिए, पकड़ के इस तरीके से बस खींच लीजिए, ये धागा बहुत इजी तरीके से इस तरीके से बाहर आ जाता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाई रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वाला छोटा सा ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप इसे अपनी लाइफ में जरूर अपना के देखेंगे। अगर आपको भी सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा पकड़ में नहीं आ रहा था, बस जैसे ही पकड़ में आया ना धागा एकदम इसमें से बाहर आ गया है। छोटा सा ट्रिक है, आप इसे जरूर अपना के देखिएगा। कहाँ आप नेल पेंट ढूंढेंगे, कहाँ आप आटा ढूंढेंगे, पर जो पेपर वाले ट्रिक है ना ये हर किसी के काम में आ सकती है।
आप इस छोटे से पेपर की टुकड़े को अपने सुई धागे के डिब्बे में जरूर रखें और अपने सुई में धागा डालने के लिए इसे यूज करें। एक बार तो आप करके देख ही सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। पेपर हर घर में अवेलेबल होता है और धागा बहुत आसानी से इसके अंदर चला जाता है। छोटे छोटे हैक है, जरूर अपना के देखिएगा, आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। दूसरा धागा भी मैं इसके अंदर इसी तरीके से डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना बहुत आसानी से चला जाता है और बस आप इसे खींचेंगे ना, सारा का सारा धागा बाहर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आएगा और आप इसे जरूर अपना के देखेंगे। छोटी से छोटी सुई के अंदर धागे आराम से निकल जाते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा एयरिंग से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो गोल्ड के एयरिंग्स होते हैं, इन्हें हम ज्यादातर जब भी वेयर करते हैं तो दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक होते हैं ये सुई धागे वाले। तो सुई धागे वाले जो एयरिंग्स होते हैं ये नॉर्मल हमारे कान में आसानी से चले जाते हैं, पर ये जो बेड़ी वाले एयरिंग्स होते हैं इन्हें पहनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा मोटाई होती है। बहुत सारी महिलाओं के कान में इतने बड़े छेद होते ही नहीं है कि इन्हें पहने, और अगर ये आपके पास है तो इन्हें पहने कैसे, क्योंकि ये सोने के होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इससे ज्यादा टाइम रखे रखे, कभी कभार तो हम इन्हें पहनना ही होता है। जब कभी कभार भी पहनते हैं ना तो बिल्कुल कान के अंदर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं और दर्द अलग होता है। कभी कभार तो ब्लड आ जाता है, सूजन इतनी ज्यादा हो जाती है कि तकलीफ बढ़ ही जाती है। तो आप यूज कर सकते हैं वैसलीन का। वैसलीन से बहुत आसानी से छोटे छेद के अंदर ये जो एयरिंग्स है आराम से आसानी से चले जाएंगे। आप वैसलीन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप यहाँ पे नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं, यानी कोई सा भी तेल है ना उसका भी आप यूज कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा चिकनाहट हमने इसके आसपास लगा लेना है, पर ग्लिसरीन यहाँ पे सबसे अच्छे से काम करेगा। मैं बच्चे के कान पे जैसे यूज करके आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने अपने कान के ऊपर ग्लिसरीन को लगाना है, उसके बाद एयरिंग्स को पहनना है। ना दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना ही ब्लड आएगा, ना ही आपका कान पकेगा। छोटा सा हैक है, जरूर अपना के देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। अगला यूजफुल हैक मेरा स्टील स्क्रबर से जुड़ा हुआ है। तो ये स्टील वाला जो जूना होता है, जब भी हम इसे यूज करते हैं, स्पेशली स्किन के ऊपर ना इचिंग करता है। थोड़ा सा भी अगर हमारे हाथ वगैरह में लग जाए ना तो बहुत ज्यादा तीखी जलन होती है, कभी कभार तो ब्लड वगैरह भी आ जाता है। तो इसे यूज करना हम अवॉइड करते हैं, पर ये क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। कैसी भी सर्फेस हो, बहुत जल्दी से गंदगी बाहर निकाल देता है। तो इस तरह का ब्रश यूज कीजिएगा आप। ये स्पेशल मैंने किचन के लिए अलग से खरीदा है, क्योंकि किचन के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वहां क्लीनिंग करना आसानी नहीं होती है। तो मैं इसके ऊपर पहना रही हूँ जूना आपने इस तरीके से पहना देना है। इसके बाद में आपने क्लीनिंग करना है। आप देखेंगे सरफेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगर आपको लगता है कि जूना निकलेगा तो आप ना यहाँ पर रबड़ भी अच्छे से पहना सकते हैं। ये कपड़े वाला रबड़ है, इसका यूज कीजिएगा। जो प्लास्टिक वाला रबड़ होता है उसका मत यूज कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद में वो टूट जाएगा। इस तरीके से अच्छे से पहना लीजिएगा। जिस भी सर्फेस को आपको क्लीन करना है, थोड़ा सा बर्तन लिक्विड या जो भी आप यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए उसे डाल लीजिए। इसके बाद में स्क्रबिंग कीजिए। इतनी आसानी से क्लीनिंग होगी कि इससे आसान तरीका तो मुझे लगा ही नहीं। आप इस ट्रिक को जरूर अपना के देखिएगा। जूने को डायरेक्ट कभी हाथों में यूज मत कीजिएगा, आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, रेडनेस भी आ सकती है। तो इस तरीके से आप स्टील स्क्रब का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी बर्तन वगैरह को भी क्लीन कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों को तकलीफ होती है, तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ये जूने वाले ट्रिक को जरूर अपना के देखिएगा, अभी बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाएंगे। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। आप बिगनर हैं, अभी अभी आपने किचन में काम करना स्टार्ट किया है और आप मार्केट से झारा लेने जा रहे हैं, तो इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मार्केट से ना कभी भी इस तरह के झारे मत लेके आइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। झारा आप ला रहे हैं ना तो इस तरह का जाले वाला लेके आइएगा। ये दो झारे मैं लेकर आई हूँ पूरी या कुछ भी तेल में छानने के लिए, पर ये ठीक से काम नहीं करते। इसमें काफी सारा तेल रह जाता है और हमें काफी देर तक हाथों में इस तरीके से पकड़ के रखना होता है। कोई भी चीज आप तेल में फ्राई कर रहे हैं तो ये जो बड़ा वाला झारा होता है ना, इसी को आप यूज कीजिएगा। इससे तेल जितना है ना वो सारा का सारा निकल जाता है। एक दो बूंद अगर कुछ रह जाता है तो वो हो सकता है, पर जितना एक्स्ट्रा तेल है ना वो सारा का सारा ही बाहर आ जाता है। ये सबसे कमाल का झारा है, इसे ही आप मार्केट से खरीद के लेके आइएगा। जो दो झारे मैंने आपको पहले बताए हैं ना, काम तो वो भी करते हैं, पर जो तेल है उसमें थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर हम लोग तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप ना इस वाले झारे का चुनाव कीजिएगा। आप देख सकते हैं जितना तेल है वो सारा का सारा ही बाहर आ गया है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। गैस को चालू किया है और उसके ऊपर मैंने एक पुराना चाकू जो कि खराब हो चुका है वो इसके ऊपर रख दिया है। हमने इसे हल्का सा गर्म करना है। इस गर्म चाकू को आज हम बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। आप चाहते हैं तो किसी पतले तार का भी यूज कर सकते हैं। एक बोतल लेना है, बीच में हमने इस तरीके से इसमें कट लगा देना है। सावधानी से ये काम कीजिएगा। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो किसी और से करवा लीजिएगा, क्योंकि चाकू बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ये हाथों में लग भी सकता है, जैसे कि हल्का सा छूट गया था। तो बहुत सावधानी से आपने ये काम करना है। इस तरीके से दो कट लगाने के बाद में आपने इस बोतल को नीचे तक पूरा कट नहीं लगाना, आधा ही लगाना या आधा से थोड़ा सा ज्यादा।
इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से कट लगाना है। ये बोतल हमारे बहुत बार काम आ सकती है, ज्यादातर हम इन बोतल का यूज करते ही नहीं है, डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, क्योंकि गर्मी के सीजन में इस तरह की काफी सारी बोटल्स आएगी, तो आप ना इन बोटल्स को मत फेंकिएगा, ये आपके घर में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, दो में से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अपना सकते हैं। तो पहला मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे टूथब्रश से जुड़ा हुआ, जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो इन ब्रश को रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, कैसे लेकर हम जाए, क्योंकि बाहर अगर खुले रहेंगे तो इसमें धूल डस्ट लगेगी और बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। तो आप ना इस तरीके से बोतल का यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर टूथपेस्ट भी रख सकते हैं, यानी जो भी छोटी वगैरह चीजें हैं जो आपको ले जाना है तो आप ना इस बोतल का अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक यूज तो मैंने आपको ये करके बताया है, आप चाहे तो इसे अपना सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसे आप जरूर अपनाएंगे, क्योंकि ये हर घर की समस्या होती है और इस समस्या का भी हल हमें जरूर पता होना चाहिए। हर घर में हार्डवेयर का कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, तो ये है मेरे हस्बैंड का कुछ सामान है जो कि हार्डवेयर का है, ज्यादातर नहीं खुला ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसमें जंग आ जाता है या डस्ट लग जाती है। तो देखिए हर डे तो इसका यूज नहीं होता है, पर कभी कभार ये काम में जरूर आते हैं, तो बहुत बार ना ये खुले रह जाते हैं, तो इसे खुला नहीं रखना है। खुला रखेंगे तो फिर से आपने इसके ऊपर ऑयलिंग करनी होगी और ग्रीसिंग भी करनी पड़ती है ताकि इसमें जंग ना लगता रहे, पर इस तरह की जो बेकार पड़ी बोतल है ना इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो मैंने छोटे टूल ही इसमें लिए हैं, बड़े टूल के लिए आप बड़ी बोतल का यूज कर सकते हैं, ये आराम से इसके अंदर बैठ जाएंगे, जब आपको जरूरत होगी आप इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये आपके घर में भी बिखरे रहते हैं तो इन बोतल्स का आप यूज कर सकते हैं, जिन बोतल्स को हम कचरे में फेंक रहे हैं। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से जो अच्छा आपको लगता है उसको आप अपना सकते हैं और बेकार पड़ी बोतल का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का लाइट या वायर हमारे घर में अक्सर होते ही है, बहुत बार क्या होता है हम इन्हें ध्यान नहीं देते हैं, ये चिपचिपे हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। दिक्कत ये है कि हम इसे क्लीन कैसे करें, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, यानी जो वायर है इसमें से करंट पास होता है, तो हम इसमें कुछ लिक्विड अप्लाई नहीं कर सकते, तब आप कोलगेट का यूज कीजिएगा। देखिए ये पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता है, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होता है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बस इस तरीके से किसी भी कॉटन कपड़े में ले लीजिए और जिस भी वायर को आपने क्लीन करना है उसको कुछ इस तरीके से पकड़िए और बीच में से वायर को आपने घुमा देना है, यानी कि इस तरीके से बस खींचते जाना है। आप देखेंगे पूरा का पूरा जो कोलगेट है वो आराम से इस वायर के ऊपर जाएगा। इसे साफ करने का फायदा ये है कि जब भी हम वायर वगैरह को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, इसमें धूल मिट्टी लगी रहती है, और अगर व्हाइट कलर का वायर है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा ना गंदे दिखते हैं। तो ये ट्रिक मैंने पहले बताया था आपको चार्जर के लिए, पर आप ना ये जो नॉर्मल वायर होते हैं जो कि हमारे घर में होते ही है, इसको भी आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप इस ट्रिक को वॉशिंग मशीन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपके घर में है उन सब पे ये ट्रिक काम करेगी। मिक्सर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोवेव के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और टोस्टर पे भी स्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोलगेट से आप आराम से सफाई होगी, चिकनाहट सारी की सारी बाहर निकल जाएगी, और जो लाइट वगैरह है ना उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ कोलगेट लिया है और जो लाइट है ना इसको भी मैं बढ़िया से इसी से क्लीन किया है, और किसी तरीके से कोई खराबी नहीं हुई है। बस आपने कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करना है, ना ही विनेगर ऐड करना है, ना ही पानी ऐड करना है, बस इसी तरीके से रफली आपने इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। चलिए इसे मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ। तो फिलहाल में मैंने इसे बड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया और अभी चालू करके भी आपको दिखाया है। किचन में हम गैस स्टोव का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पर बर्नर पर ध्यान नहीं देते हैं। जब बर्नर की फ्लेम लाल हो जाए तो सावधान होने की हमें जरूरत है, क्योंकि उसमें गैस वेस्टिंग होती है। तो इस बर्नर को हम हाथों हाथ ही कैसे क्लीन करें, ज्यादा टाइम हम इसे नहीं रख सकते क्योंकि हमें फिर से इनका काम होता है। तो अगर आपके पास भी टाइम नहीं रहता है तब ना आप ये कोलगेट वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बर्नर बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, नॉर्मल सा स्क्रबर आप ले लीजिए और बस आपने जैसे बर्तन क्लीन करते हैं उस तरीके से हल्के से इसके ऊपर स्क्रबिंग करनी है। आप देखेंगे इसके ऊपर की जितनी भी गंदगी है ना वो कोलगेट की मदद से बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। अगर इसके ऊपर दूध वगैरह या दाल वगैरह जो भी हम खाना वगैरह गिराते हैं तो उफन के बहुत बार ना इसके ऊपर गिर जाता है, जिससे इसमें लॉक लग जाते हैं और जब वो निकलते नहीं है तो बर्नर की जो फ्लेम है वो लाल हो जाती है। पर कोलगेट से ना आप हाथों हाथ इसे अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं और वापस गैस स्टोव में फिट करके यूज में ला सकते हैं।
कोलगेट वाला तरीका आपको इमरजेंसी में काम आएगा, इसे आप जरूर करके देखिएगा। बर्नर हाथों हाथ ही क्लीन हो जाते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, काफी सारी गंदगी इसमें से छूट के बाहर आई है। तो आगे पीछे दोनों तरफ से आपने इसको अच्छे से स्क्रबिंग करते हुए क्लीन कर लेना है। इसको वाइप करने के लिए आप कॉटन कपड़े का ही यूज कीजिएगा, ताकि इसके होल में से अच्छे से पानी सूख जाए, क्योंकि हमें इसे हाथों हाथ ही यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल नए जैसे चमके, तो आप कोलगेट लगाने के बाद लगभग इसे विनेगर के पानी में 1 घंटे के लिए डीप रहने दीजिए, बिल्कुल नए जैसे चमक जाते हैं। मैंने सिर्फ 5 मिनट ही रखा था, तो ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं और बर्नर बढ़िया से काम कर रहे हैं, इसमें से लाल फ्लेम बाहर नहीं आ रही है। तो आप इस कोलगेट का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके घर में भी इस तरह के जूते जरूर होंगे, जो कि पार्टी वेयर है या डेली वेयर में भी आप इसे यूज करते हैं, अगर किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करते हैं, या आप डेली ऑफिस के लिए भी इस तरीके के जूते का यूज करते हैं। तो बहुत बार जेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पॉलिश नहीं है, या वो कोई ऐसी जगह अटके हुए हैं जहां अभी वो बूट पॉलिश नहीं करवा सकते। तब आप ले लीजिए नारियल का तेल और एक टिश्यू पेपर, बस आपने इतना सा ही काम करना है। जैसे 3 से 4 ड्रॉप ही मैंने इसके ऊपर डाला है, और इस तरीके से आपने बस इसको वाइप कर देना है। इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा, पॉलिश वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, और इतनी अच्छी सी चमक आती है ना, लगता है अभी अभी आप इसे पॉलिश करवा के आए हैं। तो इस तरीके से ना आप अपने काम निकाल सकते हैं। आपके पास अगर नारियल का तेल नहीं है, तो आप यहाँ वैसलीन का भी यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप ही लगने वाला है, वैसलीन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और नारियल का तेल हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने आपको नारियल का तेल यूज करके बताया है। आप वैसलीन का भी यूज कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से अच्छे से चमक आ जाएगी। तो इस ट्रिक को उन जेंट्स के साथ आप जरूर शेयर करें, जो कि इमरजेंसी में इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उनको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है। टिश्यू पेपर तो हमेशा आज के टाइम में हर किसी के पास है, बस आपके पास वैसलीन या नारियल का तेल है, 3-4 ड्रॉप्स लीजिए और अपने जूतों को चमाचम चमका लीजिए। हर घर में इस तरह की बोतल जरूर होती है, तो आज मैंने बोतल्स को कुछ इस तरीके से कट किया है और इसका यूज करने वाली हूँ मैं धनिये के लिए। तो देखिए, मेरी गार्डन में ना आज धनिये के मुझे 3-4 पौधे दिखे हैं, और ये ऐसी जगह लगे हैं जहाँ पर मैं इसे पानी नहीं दे सकती, क्योंकि ये 3-4 ही लगे हैं और काफी बड़े एरिया में है, जहाँ अलग से पानी देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो धनिया है तो हर सब्जी में डलता है, तो इसे मैंने आज निकाला, और जिस तरीके से मैंने इसे बोतल में लगा के रखा है ना, आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं हर उस पौधे के लिए जब आपको पानी देने का टाइम नहीं रहता है, या आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप बोतल में इन्हें रख दीजिए। तो 3 दिन पहले मैंने इस बोतल में इसे रखा था, मैंने सोचा था जब ये ट्रिक वर्क करेगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी देख सकते हैं इसलिए अच्छे से वापिस से हरा भरा हो चुका है, थोड़ा सा 2-4 पत्ती पीली हो चुकी है, पर ये पौधा ना अभी जिंदा है। इसका पानी चलो हम बदल लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा काला हो चुका है, तो बस आपने इसका पानी बदलना है। तो इस तरीके से आप पौधों को हरा भरा रख सकते हैं, और बार बार पानी देने की जो दिक्कत है ना, वो नहीं होगी। तो पौधों के लिए इस बार गर्मियों के सीजन में इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करके दिखेगा। मैंने आपको इसे धनिया पे करके दिखाया है, आप दूसरे प्लांट पे भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, है ना, कमाल का है। तो बार बार पानी देने की दिक्कत इस गर्मी आपकी खत्म होने वाली है। बस इस तरीके से आपके जो पौधे वगैरह है ना, उनके बेस में पानी को भर के रखिएगा। पानी खुद का खुद पौधा उतना ले लेगा जितनी उसको जरूरत है, आपको अलग से पानी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। 3 पौधे मैंने निकाले थे, तीनों ही आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हरे भरे हैं, किसी तरीके से ये डेड नहीं हुए हैं। अगला इस फुल हैक सब्जियों से जुड़ा हुआ है। जब भी हम गरम तेल में मसाला डालते हैं या प्याज लहसुन अदरक डालते हैं, तो आपने देखा होगा उसके जो छींटे हैं पूरे किचन काउंटर पे फैल जाते हैं, टाइल्स में भी फैल जाते हैं, गैस स्टोव पे भी फैल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें ऐसा कि गरम तेल में हमारे जो मसाले हैं वो डालें और छिटक के उसका जो तेल है वो बाहर नहीं आए? तो आप एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप जरूर करके देखिएगा। तो हमने लेना है सबसे पहले हल्दी, तो आप खाने में सबसे पहले हल्दी को डालिए, थोड़ा सा हल्दी पकाइए, पर हल्दी को जलाना नहीं है। तेल गर्म है तो मैंने हल्दी डालने के बाद ही यहाँ पर प्याज को डाल दिया है। इससे क्या होगा कि एकदम चटक के जो तेल बाहर आ जाता है वो नहीं होगा। तो हल्दी ये काम करती है, आप इस तरीके को अपना के देखिएगा। अगर आपको लगता है ये ट्रिक काम करती है, तो आप इसे कंटिन्यू अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, आपके जो काम है आसान हो जाएंगे, और आपको पूरा का पूरा किचन काउंटर नहीं क्लीन करना पड़ेगा, स्पेशली इस तेल की छींटे की वजह से। तो आप इस ट्रिक को जरूर अपना के देखिएगा। देख लेते हैं अगला इस फुल हैक। तो
गर्मी का सीजन आता ही संतरा हर घर में आता है। इसे खाते वक्त तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, पर इसको छीलना भी एक बड़ा काम हो जाता है। तो देखिए, ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे अंगूठे से कुछ इस तरीके से प्रेस करते हैं और इसका छिलका उतारते हैं। तो देखिए, छिलका तो जैसे तैसे हम उतार लेते हैं, पर इसका जो एक कड़वापन रहता है इसके छिलके में, वो हमारे अंगूठे में आ जाता है और उसकी स्मेल नहीं जाती है। तो आप नाइफ ले लीजिए या फॉग ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस इसका ना छोटा सा टुकड़ा आपने इस तरीके से काटना है। अगर आप इस टुकड़े को काट लेते हैं, इसके बाद आप देखेंगे इस छिलके को उतारने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो बच्चों को जब भी हम देते हैं संतरा खाने के लिए, तो ज्यादातर हम छील के ही देते हैं, ना कि संतरा बिल्कुल इस तरीके से पूरा का पूरा देते हैं। तो आप बच्चों को छील के दे उससे पहले इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि हमारे हाथों में से संतरे के छिलके की स्मेल नहीं जाती है। वैसे तो इसकी स्मेल हर किसी को पसंद नहीं आती है, अगर आपको पसंद है तो मत अप्लाई कीजिएगा, पर अगर आपको नहीं पसंद है तो इस चाकू वाले ट्रिक को यूज करके देखिएगा, आराम से जो छिलका है ना वो बाहर आ जाएगा। तो इससे दूसरा फायदा भी ये है, जब हम थंब से प्रेस करते हैं और उसका छिलका उतारने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं आपके इसके बीच वाले पार्ट में इतना ज्यादा हमारे उंगलियों की वजह से प्रेशर हो जाता है कि यहाँ से ना पिलपिला सा हो जाता है। मान लीजिए एक घंटे के लिए अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो संतरा पूरा पिलपिला हो जाता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, आप फोक का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, बस एक छोटा सा टुकड़ा आना चाहिए बाहर, बस एक टुकड़ा बाहर आ गया ना संतरे के छिलके का, इसके बाद में इसे छिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती और ना ही ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये जो संतरा है इसका शेप खराब होता है और जूस वगैरह है वो भी बाहर नहीं आता है, क्योंकि बच्चे इस तरीके से ही संतरा खाना पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला छोटा सा ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा और इस बार गर्मियों के सीजन में आप इसे अप्लाई करके देखेंगे। संतरा तो हम खा लेते हैं, पर इसके छिलके का हम यूज नहीं करते हैं। चलिए, इस छिलके का भी हम यूज करते हैं किचन के मसालों की बैड स्मेल को हटाने के लिए। बहुत बार हमारा मसाला जल जाता है या मसालों की जो महक है वो किचन में से जाती नहीं है। हम मसाला किचन में बना रहे होते हैं और हमारे बेडरूम में और हॉल तक स्मेल चली जाती है कि हाँ भाई कुछ बना है जिसकी तीखी स्मेल पूरे घर में फैल गई है। तो उस स्मेल को हटाने के लिए आप इन संतरे के छिलके का यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रूम फ्रेशनर है, हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए आपने उबालना है। आप चाहे तो इसमें लौंग ऐड कर सकते और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए फ्री का रूम फ्रेशनर बनके रेडी हो चुका है। आप इसे किचन में ही रहने दीजिएगा, किचन की जितनी भी बैड स्मेल है मसाला वगैरह की, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएगी। इस तरह की दवाइयां ना हमारे घर में बहुत ज्यादा आती हैं, स्पेशल छोटे बच्चे हो तब तो ये लगती ही है, क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो देखिये, दवाइयों के केप के नीचे ये जो कवर होता है, इस कवर का हमने यूज करना है। तो इस तरीके से चाकू या कैंची की मदद से आप इसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि बहुत हल्का होता है ये। बस इस तरीके से मैंने खींचा और देखिए निकल के बाहर आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका हम क्या यूज करेंगे, चलिए इसका भी आज हम यूज करके देखते हैं। बहुत ही काम आने वाली ये ट्रिक है, स्पेशल हम महिलाओं के लिए। तो मैंने 2 बोतल में से इसे निकाला है, आपके पास अगर ज्यादा बोतल वगैरह हो तो आप और भी ज्यादा निकाल के रख सकते हैं। अब देखिए इसका करना क्या है, ये बहुत अच्छे से ना मुड़ जाता है, तो एक छोटी सी हमें रिंग बना के रेडी कर लेनी है। ये रिंग हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से इसको बना के रेडी कर लेना है। दिया बाती हम करते ही हैं सुबह शाम, कभी कभार क्या होता है बाती थोड़ी बड़ी बन जाती है, तो ये बाती फिसल जाती है, नीचे गिर जाती है या बुझ जाती है। तब आप इस रिंग का यूज कर सकते हैं बाती को सीधा खड़ा करने के लिए। इसके बाद जब तक इसमें तेल खत्म नहीं होगा, ये बाती खुद से कहीं भी इधर उधर खिसकेगी नहीं। तो एक छोटी सी रिंग जो बेवजह हम कचरे में फेंक रहे हैं, इसका आप इस तरीके से अच्छे से यूज ले सकते हैं दिया बाती के टाइम। अगला यूजफुल हैक मेरा वायर से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी तरह के वायर पे ट्रिक काम करेगी। मैं चार्जर के ऊपर आपको इसको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि चार्जर अक्सर हम कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में लेके जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर है मेरे पास एक डोरी जो कि कपड़ों के टैग के साथ आती है, तो इसको मैंने इस तरीके से इस पर लपेटा 3-4 बार और देखिये बहुत अच्छे से जो चार्जर का वायर है अच्छे से अरेन्ज होके हमारे साथ जा सकता है, बिखरेगा नहीं, किसी चीज में अड़ेगा नहीं, तो इसको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। कपड़ों के साथ आने वाले इस बेकार टेक का इससे अच्छा यूज शायद ही आपने कहीं देखा होगा। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा। आप इसे प्रेस की वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का जो वायर वगैरह बिखरा हुआ है उसके लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा आसान लगा है इस ट्रिक को यूज करना, आप भी जरूर करके देखिएगा। हमारे घर में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट आते हैं, उनके साथ बेस में इस तरह का एक प्लास्टिक भी लगा हुआ आता है, ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये बिस्किट के साथ आ सकता है, केक के साथ आ सकता है, ये किसी भी चीज के साथ आता है, तो आप इसे मत फेंकिएगा। आपकी जो छोटी चीजें हैं उनको रखने के लिए आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैंने दवाई की बोतल आपको रख के दिखाई है, आप इसमें नेल पेंट रख सकते हैं, लिपस्टिक रख सकते हैं, अच्छे से एक जगह इकट्ठा रहेगी, बिखरेगी नहीं और ड्रॉ भी आपका जो है वो साफ सुथरा दिखेगा। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको छोटी सी है पर काम में आएगी। अगला
सक्सेसफुल हैक मेरा केले के छिलके से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इनके पैरों में बहुत ज्यादा रेशेस आ जाते हैं या बच्चे चप्पल नहीं पहनते हैं, भाग जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी आ रही है, अगर वो टाइल्स वगैरह पे चल देते हैं तो उनके पैरों में आपने देखा होगा दरारें आ जाती है या थोड़ा सा ये फटना स्टार्ट कर देती है। ये गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में भी होता है। तो ये बच्चा मात्र 3 साल का है, कितना भी मैं सावधानी रखूं पर ये कभी कभार बिना चप्पल के चल देता है, मिट्टी वगैरह में भी चला जाता है, गार्डन में भी चला जाता है। तो इनके पैरों में बहुत ज्यादा खिंचाव होता है या जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो इसके लिए आप केले का यूज कर सकते हैं। केले को अच्छे से आपने इनके पैरों के ऊपर रब करना है। गर्मियों में ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि गर्मियों में केला भी काफी ज्यादा आता है, तो ज्यादातर हम छिलके का यूज नहीं करते हैं। तो बहुत सारों को ना पैरों में जलन की प्रॉब्लम होती है या गर्मी आते ही पैरों में जलन होना स्टार्ट हो जाती है, तब भी आप इस केले के छिलके का यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसका दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। गर्मियों में हमारे हाथ पैरों में मॉइस्चर नहीं रहता है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर का यूज भी करते हैं, पर केले के छिलके और थोड़ा सा शक्कर अगर आप लेंगे और अच्छे से अपने हाथ पैरों में स्क्रबिंग करेंगे तो आपके हाथ पैरों को जो मॉइस्चर है वो खोएगा नहीं, खोया हुआ है तो वापस लौट के आ जाएगा, अच्छी सी चमक आती है। अगर डेड स्किन है तो वो शक्कर की मदद से रिमूव हो जाएगी। तो ये केले का छिलका बहुत ज्यादा काम आ सकता है। फेंकने से पहले इन ट्रिक का यूज करें और अपने हाथ पैरों को आप अच्छा कर सकते हैं मात्र एक फेंके जाने वाले छिलके से। मुझे तो ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा रफ है। जैसे ही ठंड और गर्मियों का सीजन आता है, बहुत ज्यादा जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको प्रॉब्लम होती है। तो केले के छिलके का आप इस तरीके से हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट बनी रहेगी। तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जिस छिलके को आप फेंक रहे हैं ना, उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिएगा, एक ही बार में आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में 2 से 3 बार आप करते हैं तो आपके हाथ पैर अच्छे से सॉफ्ट रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आता है। यहाँ पे अगला हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, ये भी केले के छिलके से जुड़ा हुआ ही है। ज्यादातर हम इन्हें फेंक देते हैं, तो देखिये मैंने 2 तरीके से इसका यूज करना आपको दिखा दिया है, एक तीसरा यूज करके दिखाती हूँ। अगर आप इसे अपने हाथों पैरों में नहीं यूज करना चाहते हैं तब आप है ना एक छोटा सा बकेट ले लीजिए, मग्गे वगैरह ले लीजिए, या कोई भी पुराना बर्तन जिसका आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं। तो ये बकेट है जिसका मेरे यहाँ यूज नहीं होता है खाने पीने में। तो इस बकेट में मैंने सारे केले के छिलके डाल दिए हैं और सीजर की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। कट करना आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आप इन्हें इसमें पानी डाल देना है, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप इसमें पानी डाल के छोड़ दीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्मल हम पानी देते रहेंगे ना तो पौधों की ग्रोथ नहीं होती है, हमें उसमें खाद पानी देना होता है। अगर आपने खाद नहीं दिया है तो आप कितना भी पानी पिला दीजिए, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो मैं इसे ज्यादा टाइम नहीं रखती हूँ, लगभग 1 घंटा। तो मैंने ना अपने हाथों से ही इसको अच्छे से इस तरीके से क्रश कर लिया है। तो आप चाहे तो मिक्सर में चला सकते हैं, पर अगर आप मिक्सर में नहीं चलाना चाहते तो हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से दबाएंगे ना तो आप देखेंगे इसके अंदर का जितना भी लिक्विड है ना वो आराम से रिलीज हो जाएगा और पानी से घुल जाएगा। अब इसे डायरेक्ट ही मैं पौधे में देती हूँ और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मनी प्लांट ऑलमोस्ट मर चुका था और इसमें जैसे ही मैंने केले का पानी देना स्टार्ट किया इसमें बहुत अच्छे से लीव आने लग गई है। और मनी प्लांट के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर घर में मनी प्लांट होता है, तो आप ना इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। मनी प्लांट की सबसे अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है, बस हफ्ते में 2 बार आपने इस पानी को देना है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ मनी प्लांट के ऊपर काम करता है, कोई भी प्लांट आपके घर में है उन सबके लिए ये ट्रिक काम करती है, क्योंकि पौधों को भी खाद की जरूरत होती है। बार बार मार्केट में जाके पैसा क्यों खर्च करना जब हम घर में ही इस तरीके से इनको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और मनी प्लांट का पौधा है जिसकी पत्तियां आप देख सकते हैं पीली हो रही है, गर्मियों के सीजन में स्पेशल ये प्रॉब्लम होती है। तो आप ना इस तरीके से केले का पानी जरूर देते रहे। आपके घर में हरी सब्जियां आती है तो उसको भी आप एक बकेट वगैरह में डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उन सब्जियों के पानी को भी आप इसमें दे सकते हैं। अच्छे से फर्टिलाइजर का काम करते हैं और जो प्लांट वगैरह है आपके ये बहुत अच्छे से हेल्दी रहते हैं, जैसे कि एक नई लीफ भी इसमें आना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से हरे भरे पौधे देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं। मेरे पास तो काफी सारे प्लांट है, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं इनकी देखरेख करती रहती हूँ और ये देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से स्पेशली जो गमले वगैरह के पौधे हैं ना, इनकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो जमीन में लगे रहते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जो गमले वगैरह में होते हैं ना, इसमें हम कुछ देंगे तभी इनकी ग्रोथ होगी। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता नहीं है कि मच्छर हमारे घर में बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, तो ज्यादातर घरों में रैकेट का यूज किया जाता है। हमारे घर में भी रैकेट आया हुआ है, तो इसके साथ एक प्लास्टिक आता है, इसका हम यूज नहीं करते हैं, फेंकते हैं डस्टबिन में। तो इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर जिप भी लगी हुई होती है और इस पर हैंग करने के लिए काफी अच्छा एक पॉइंट भी बना होता है। तो अभी तो फिलहाल में मैंने इसका कोई यूज नहीं बताया है, पर आप इसको ना बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, क्योंकि इसका प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। जब तक आप इसका जिप लॉक नहीं खोलेंगे
इसमें किसी तरह का कोई धूल डस्ट नहीं जाता है, तो आप भी इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह के पैकेट में कुछ भी सामान आता है जो कि अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी का है, तो आप ना मत फेंका कीजिए, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट आराम से रख सकते हैं, सालों साल खराब नहीं होते हैं। तो मुझे तो ये काफी अच्छा लगा है, स्पेशल इसमें जीप है तो मुझे तो ये काफी अच्छा यूजफुल ट्रिक लगा है, आप इसे ना जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी प्लास्टिक से ही जुड़ा हुआ है। जब भी हमारे घर में कुछ कपड़े वगैरह आते हैं तो आपने देखा उसके साथ एक प्लास्टिक आता है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, इसका हम यूज कर सकते हैं किचन में। तो बहुत बार हम किचन में काम करते हुए मोबाइल में गाना सुनना पसंद करते हैं या यूट्यूब पे कोई रेसिपी देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पानी का काम किचन में बहुत ज्यादा होता है, अगर गलती से पानी मोबाइल पर लग जाए तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो देखिए इस तरह की प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं आप अपने मोबाइल वगैरह को रखने के लिए, चाहे तो आप सीजर से कटिंग कर सकते हैं, मैं नहीं कटिंग कर रही हूँ, डायरेक्ट ही आपको करके बता रही हूँ, तो आप ना इस तरीके से मोबाइल को कवर करके यूज में ला सकते हैं। प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का होता है तो आप इसके ऊपर आराम से अपने फिंगर्स चला सकते हैं, किसी तरीके से मोबाइल को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप अपने गाने सुनिए या यूट्यूब पे कुछ भी देखिए, कोई रेसिपी सर्च करिए, आपके मोबाइल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, गलती से भी पानी लग जाता है। तो जो प्लास्टिक भी हमारी डस्टबिन में जा रही है उसका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं।